मैं सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे हो आप सब? आई होप सो गाइज ऑल आर डूइंग एब्सोल्युटली ग्रेट एंड फाइन। सो सबसे पहले तो बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आते थे कि आप जो है दुपट्टा चेंज करो। सो फाइनली आज मेरी मम्मी ने भी बोल दिया कि नहीं आपको बोलना दुपट्टा चेंज कर लेना अपना। सो चेंज हो गया एंड आज की वीडियो होने वाली है जिंदगी में सुकून कैसे लाए, एक इमोशनल बयान होने वाला है मौलाना तारिक जमील जी का। सो इसको सुनते हैं फिर करते हैं बाकी बातें। अच्छा, इस वीडियो का मतलब बहुत सारे लोगों को कहते हैं ना वेट सा होगा कि जिंदगी में सुकून कैसे लाए, क्योंकि मैक्सिमम आजकल की लाइफ ऐसी है कि किसी लाइफ में सुकून नहीं है ना। सुकून नहीं है यार, कोई बंदा फ्री भी हो ना, उसको भी अगर बंदा कुछ करता भी नहीं हो, जॉब भी नहीं करता हो, फ्री रहता हो, तब भी उसको हम पूछेंगे ना कि क्या करते हो, तो यहाँ ये काम करे, वो कहेगा कि टाइम ही नहीं है। लिटरली ये हमारे साथ भी होती है चीज, टाइम ही नहीं होता है। होता है, होते फ्री है, पर टाइम ही नहीं होता खुद के दिमाग में, नहीं होता ना, तो फिर कैसे होगा। सो देखते हैं इस वीडियो को, फिर करते हैं बाकी बातें डिस्कस। ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। हेडफोन रोज उजल जो होते हैं आपके सीधे होते हैं रोज। मैं करता हूँ आगे तेज रनिंग आते लगाने हैं डायरेक्ट। सो करें प्ले। हाँ जी, हम तकरीबन भुला चुके हैं जिसमें मेरे नबी वाले अखलाक बहुत आला दर्जे की चीज है। इसको मेरे बच्चों सीखो, इससे तुम्हारी जिंदगी खूबसूरत बनेगी, कल तुम बाप बनने वाले हो, ये बीवियां बनने वाली हैं, कुछ बन चुके हैं। एक साथ जिंदगी के लिए मेरे नबी वाले अखलाक के बगैर गुजारा नहीं है। सिर्फ पैसे से जिंदगी नहीं गुजरती, शक्लो सूरत से जिंदगी नहीं गुजरती, शक्लें भी अपनी जाज़बियत खत्म कर देती हैं कुछ अरसे के बाद, और पैसे की खनक भी इंसान भुला देता है जब रवैये गलत होते हैं, जब रवैये सख्त होते हैं। मुझे खरबों पति आदमी की बेगम मिली, खरबों पति, करोड़ों अरब, खरबों पति आदमी, और बैठते ही रोना शुरू कर दिया, कहा मौलाना मेरी कोई जिंदगी नहीं, मेरे खामिंद का रवैया मेरे साथ ठीक नहीं। इतनी दौलत के अंबार उस औरत को खुश नहीं कर रहे क्योंकि खामिंद का रवैया ठीक नहीं। तो मेरे अजीजों, अपने दफ्तरों को, अपने घरों को, अपनी मस्जिदों को, अपने माहौल को बर्दाश्त से आबाद करो, दरगुजर से आबाद करो, माफ करने से आबाद करो। मेरे रब की कसम, माफ करने का जो मजा है वो बदला लेने में वो मजा नहीं है, छोटा बनने में जो मजा है वो बड़ा बनने में वो मजा नहीं है, सीना से लगाने में जो मजा है वो मुंह फेरने में वो मजा नहीं है। अगर आप ये करोगे अल्लाह आपकी जिंदगी, आप हमारा सरमाया हो, आप हमारी दौलत हो, और अल्लाह का शुक्र है कि हमारे पास नौजवानों का एक बहुत बड़ा सरमाया है। सारा यूरोप फिरा हूं, माइनस में नस्ल जा रही, माइनस में स्कूल बंद हो रहे हैं, बंद हो रहे हैं, बंद हो रहे हैं, हर साल स्कूल बंद हो रहे हैं, हमारे हर साल खुल रहे हैं, अल्लाह का फजल है। कम बच्चे खुशहाल घराना भी शोर मचदा पे, पर अल्लाह के फजल डिग्गे दे विच भी बच्चे बैठे होंगे। सुबह रक्षा का हाल वेख्या करो, बंदे ते बंद, शोर तो शोर चढ़िया होंगे, कोई लटके होया, कोई छड़े होया, लगता इन्हें हने पासा पर ती जावना है। अल्लाह के फजल से हमारे तो, और मैं वो पीसी होटल में था, वहां कोई मेरा बयान था, वो पीसी वो मरी, तो वहां मैंने देखा गड्डी अंदर वड़ी थे, डिग्गी भी भरी हुई थे, अंदर भी भरे हुए सारे। ये अल्लाह ने बहुत बड़ी दौलत हमें दी है, बहुत बड़ी दौलत हमें दी है, लेकिन अल्लाह करे ये दौलत हमारे काम आ जाए, इनके अखलाक अच्छे, उनका किरदार बुलंद हो। अब लड़के लड़कियां इकट्ठे पढ़ते, हमारी एक हद फासिल है, हम उसको क्रॉस नहीं कर सकते। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ये यूरोप का कल्चर है जिसने ना औरत को औरत छोड़ा, ना मर्द को मर्द छोड़ा, ना वो खामिंद है, ना बाप है, ना बेटा है, ना भाई है, वो औरत ना बीवी है, ना माँ है, ना बहन है, कुछ भी नहीं है, वो टिश्यू पेपर है, इस्तेमाल करके फेंक दिया जाता है। दोनों के रिश्ते बेगैरती ने मिटा दिए, दीमक की तरह चाट लिया है यूरोप के मुआशरे को। स्पेन में था तो उनके उनका जो इंस्पेक्टर जनरल पुलिस और पुलिस के बड़े अफसर मुझसे आए मिलने के लिए, तो मैंने थोड़ी उनसे बात की, फिर मैंने कहा मैं दो बातें आपको कह के जा रहा हूँ जो आपके फायदे की हैं। एक, मैं देख रहा हूँ आपका फैमिली सिस्टम टूट चुका है, इससे आपकी नस्ल तबाह हो जाएगी। दूसरा, मैं देख रहा हूँ आपके पार्क्स में गया हूँ और शहर बाजार में फिर रहा हूँ, आपके बच्चे नजर नहीं आ रहे, या जवान है या बूढ़े हैं, आपका जनरेशन गैप आ रहा है। वैसे सर पकड़ के बैठ गए, कहने लगे तुमने हमारे वो दो मसलों पर हिट किया है जो हमारा सबसे बड़ा सर दर्द इस वक्त बने हुए हैं। हमारी नस्ल खत्म हो रही, हमारा फैमिली सिस्टम खत्म हो चुका है, हमारी एक हद है, हमारी नजर भी नीचे होती है और हम हया की चादर से बाहर नहीं निकलते। बेहयाई जिस मुआशरे में फैलती है उस मुआशरे को अल्लाह पनपने नहीं देता, वो मुआशरा जिल्लत और पस्ती का शिकार हो जाता है। यूरोप की औरत ने आजादी का नारा लगाकर सब कुछ गंवा दिया, सब कुछ गंवा दिया है, न माँ की निस्बत, न बीवी की निस्बत, न बहन की निस्बत, न बेटी की निस्बत,
कुछ उसके हाथ में नहीं है। और वहां का मुआशरा इंतहाई दुखी तरीन मुआशरा। तो मेरे अजीजों, आप हमारे अगर हुक्मरान चाहते तो अलग अलग यूनिवर्सिटियां आराम से बन सकती थी, कोई बड़ा मसला नहीं था। लेकिन शायद किसी को भी ये शोर नहीं है कि मेरे अल्लाह ने कितनी एहतियात के साथ औरत को इज्जत दी है और उसकी इज्जत की हिफाजत के लिए क्या क्या कानून बनाए हैं, क्या क्या उसके लिए खूबसूरत तर्ज जिंदगी अता फरमाया है। लेकिन हम यूरोप के पीछे पागलों की तरह भाग रहे हैं, भाग रहे हैं, भाग रहे हैं, और उसको हम अपनी जिंदगी समझ रहे हैं। एक इस मोबाइल ने फहाशी को बहुत ज्यादा दिया है, बहुत ज्यादा प्रमोट किया, इससे आप अपनी फायदे की चीज उठाओ, लेकिन अपने अखलाक को बर्बाद ना करो, अपनी आंखों को बर्बाद ना करो। कि सबसे ज्यादा दिल की सख्ती इन आंखों से आती है, इन आंखों से आती है। जब आंख गलत देखती है, देखती है, देखती है, तो दिल की जमीन बंजर हो जाती, वीरान हो जाती। अपनी आंखों के पर्दे गिराना सीखो, हया सीखो, पाकदामनी सीखो, हद फासिल रखो। अल्लाह ताला ने हमें, हम खुद तराशते हैं मनाजिल के संग मील, हम वो नहीं हैं जिनको जमाना बना गया। हमारी तहजीब है, हमारी सकाफत है, हमारा बेटी का मकाम है, बीवी का मकाम है, बहन का मकाम है, माँ का एक मकाम है, हमारे यहाँ रिश्तों की कदर है। उस कदर को मेरे अल्लाह ने हमारे दिल में बिठाया। कुरान ने सैकड़ों आयात उतारी हैं माँ के, बेटी के, बहन के रिश्तों को बाकी रखने के लिए, मेरे नबी ने खोल खोल के बताया है। तो मेरे अजीजों, वो बैरियर क्रॉस ना करो, वरना हसरत के सिवा कुछ नहीं मिलेगा, हलाकत और तबाही और बर्बादी के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। वहां कांटों के सिवा कुछ नहीं है। मेरे नबी की खूबसूरत जिंदगी में सारे फूल खिले हुए हैं और उससे बाहर कांटे ही कांटे हैं। जो जाएगा दामन भी तार तार करेगा और अपने आप को भी लहू लुहान करेगा और हसरतों की मौत मरकर मिट्टी की चादर ओढ़ कर ऐसा बेनाम निशान होगा कि कोई ना फातिहा पढ़ने वाला होगा, ना कोई दुआ करने वाला होगा। बेहया मुआशरा वो जमीन के लिए, धरती के लिए नासूर बन जाता है, और पाकीजा मुआशरा उस कायनात का सबसे खूबसूरत फूल होता है, जिसमें महक, जिसकी महक सारे आलम को चमकाती है, सारे आलम को खुशबूदार करती है। दिमश्क जब फतह हुआ तो कैसर की बेटी वहां के हुक्मरान की बेगम थी, तूमा, उसका नाम था तूमा, वो कत्ल हो गया। जब बांदियां इकट्ठी हुई माल गनीमत में, तो हज़रत खालिद को पता चला कैसर की बेटी भी बांदियों में, तो उन्हें एकदम उसको अलग किया, खेमा लगवाया, उसकी नौकरानियों को उसके साथ किया और उनके लिए पहरा मुकरर किया। फिर इज्जत और एहतराम के साथ 400 आदमियों का दस्ता फौज सहाबा काफिर की बेटी को पहुंचाने जा रहा है कि जाओ इसके बाप के पास पहुंचा कर आओ, से कहो कि हम दुश्मन को भी ये इज्जत देते हैं, हम इज्जत की यूं हिफाजत करते हैं। ये 400 मुकद्दस तरीन इंसानों का काफिला एक काफिर की बेटी को पहुंचाने के लिए बॉर्डर तक गया, इंताकिया। इंताकिया आजकल तुर्की में है। जब कैसर की बेटी ने बताया ना कि मेरे साथ खालिद बिन वलीद ने यह सलूक किया है, और मुसलमान रोजाना अखबार में इज्जतें लूटी होती हैं, लूटने वाले अमेरिका से नहीं आए, इंडिया से नहीं आए, इसराइल से नहीं आए, फ्रांस से नहीं आए, अपने ही हैं। माओ ने जन के छोड़ दिया, बाप ने कमाई के चक्कर में बताना भी छोड़ दिया, तो दरिंदे बन के बाहर निकल आए, वैशी बन के बाहर निकल आए। ये कोई अमेरिका की साजिश है? रोजाना इज्जतें लूट रही हैं। जब कैसर को पता चला, उसकी बेटी ने बताया, तो कैसर रोने लगा और उसने कहा जिस कौम के ये अखलाक, एक दिन आएगा कि मेरे इस तख्त के भी मालिक होंगे जिस पर मैं आज बैठा हुआ हूं। और 6 महीने बाद वो हुआ, अल्लाह ने इंताकिया भी सहाबा के कदमों में डाला। मेरे अजीजों, हमारी एक इज्जत है, हमारी एक नामूस है, हमारी आंख बेहया नहीं होती। मल्ला की बताई हुई तरतीब के मुताबिक अपनी जिंदगी की राहें तय करते हैं, उसको क्रॉस नहीं करते। अगर इबरत का निशान देखना है तो जाओ जाके यूरोप में देखो, अमेरिका में देखो कि वहां की औरत का क्या हाल है, वहां की माँ का क्या हाल है, वहां की बहन का क्या हाल है। अपने आप को उससे बाहर मत ले जाओ। इल्म जरूर हासिल करो, ताजीब मत लो। मगरब में तो सूरज डूब कर ऐलान करता है कि मगरब डूबने की जगह है, उभरने की जगह नहीं है। उभरने के लिए अल्लाह ने मशरक को बनाया है। तो अपनी तहजीब की, अपनी इज्जत की, अपनी नामूस की हिफाजत करो। अपने उस्तादों की कदर करो, जिससे पढ़ो उसके सामने सारी जिंदगी सर झुका के चलो।
चाहे वो अच्छा है बुरा है, अगर तुम्हारा उस्ताद है सारी जिंदगी उसके आगे सर ना उठाना, अल्लाह तुम्हारे इल्म में बरकत देगा, तुम्हारे इल्म में बरकत देगा। अगर उस्ताद को बेइज्जत करोगे तुम्हारे लिए इल्म के दरवाजे बंद होंगे, खैर और बरकत के दरवाजे बंद हो जाओगे। ये भी बाप के दर्जे में है, तुम्हारा उस्ताद भी एक बाप है जिसकी पुश्त से निकले हो, एक माँ है जिसने तुम्हें गोद में पाला है, एक माँ जो तुम्हें, सास भी तुम्हारी माँ है, खाला भी तुम्हारी माँ है, फूफी भी तुम्हारी माँ है, उस्ताद तुम्हारा बाप है। इन सब रिश्तों की इज्जत करना सीखो, कदर करना सीखो, सब कुछ लौट के अल्लाह तुम्हारी झोली में डालेगा। तुम्हें खूबसूरत जिंदगी गुजारकर जब अल्लाह की बारगाह में पहुंचोगे तो अल्लाह के महबूब के हाथों से जाम में कौसर सबसे पहले पिलाए जाओगे और इज्जत के साथ अल्लाह की जन्नत में दाखिल होगे और अल्लाह पाक के दरबार में आली मकाम लेकर हमेशा की जिंदगी पाओगे। ये तो दुखों का जहान है, तुम खुद सोचो जब आदमी ऑब्जर्वेशन में बैठा हो तो सुखी होता है कि तंग होता है कि यार वीसी साहब देख रहे हैं, यार वीसी साहब देख रहे हैं, यह कैमरा फिट है, यार कैमरा फिट है, यार कैमरा फिट है, यार कैमरा लगा हुआ है, मेरे अल्लाह के कैमरे ये दो किरामन कातबीन हर वक्त हमें ऑब्जर्वेशन में लिए बैठे हैं, लिए बैठे हैं, लिए बैठे हैं। मौत तो छुट्टी का नाम, अगर अल्लाह राजी हो गया तो मौत छुट्टी, सीधे अल्लाह की रहमत में पहुंच गए। तो सारे बच्चे इसकी नियत करो, इरादे करो, अल्लाह से मांगो वो खूबसूरत जिंदगी लेकर जाओ जिस पर फिर ये सारे मजे अल्लाह आगे तुम्हें खाने के भी पूरे कर दे, शादी के भी पूरे कर दे, घरों को भी पूरे कर दे और इज्जत के भी हो जाए, कामयाबी के भी हो जाए, अल्लाह पाक से लेने वाली भी बन जाओ। 5 फुट नाला से की करना है, ये तो हम घिसते घिसते 5 फुट के होके रह गए। हमारे बाबा आदम 130 फुट की हाइट थी, अम्मा हव्वा 130 फुट की हाइट पर थी। यूसुफ अलैहिस्सलाम को तो लोग जानते हैं सबसे खूबसूरत थे, औरतों में सबसे खूबसूरत कौन था ये कम मालूम है, हजरत हव्वा सबसे हसीन खातून थी, सबसे हसीन हजरत हव्वा, दोनों अम्मा अब्बा 130 फुट की है। जन्नत में जाने से पहले हम छोटे कद के होंगे क्योंकि जन्नत की लड़की, जन्नत के खादिम सब 130 फुट पर हैं, सब 130 फुट में, तो अल्लाह तुम्हें भी 130 फुट पर ले जाएगा, 130 फुट ये पैसेज ऑफ टाइम ने छीलते 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 ये कर दिया है। 10,000 साल ने हमें घिसा 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 के 5 फुट पे आगे खड़ा किया, वापस जाओगे 130 फुट, आदम भी हव्वा भी जन्नत की हूर भी ये खवातीन भी आप भी सब 130 फुट पर जाओगे। और जन्नत की औरत को अल्लाह ने मुश्क अंबर जाफरान काफूर से बनाया, सूरज को उंगली दिखाए सूरज नजर ना आए, समंदर में थूक डाले शहद से ज्यादा मीठे हो जाए, मुर्दों से कलाम करे उनमें जिंदगी की रूह फूंक दे, कलाई नमोदार हो जाए, सातों आसमान के अंधेरे सातों जमीनों के अंधेरे रोशनियों में तब्दील हो जाए। ये ईमान वाली औरत इस जन्नत की लड़की से 70,000 गुना ज्यादा खूबसूरत होगी। तो ये आखिरी अंजाम है मेरे अजीजों, यहां रहते हुए नमाज के पाबंद रहो, अगर आपस में लड़े हुए हो सुलह कर लो। मैंने भी हॉस्टल लाइफ गुजारी बहुत छोटी उम्र में, मैं तो 11 साल का था जब मेरे बाप ने मुझे भेज दिया लाहौर, कहते हैं डॉक्टर बनावना है, तो मैं हॉस्टल लाइफ में एक अरसा गुजरा है मेरा और अच्छे इदारों में गुजरा है, तो लड़ाइयां झगड़े ये सब कुछ नफरतें चलती हैं। मैं कम कम जो आप बच्चे बच्चियां आए हुए हो अगर किसी से लड़े हुए सुलह कर, किसी उस्ताद से बेअदबी हुई है जाके माफी मांग लो, अपने माँ बाप से कोई गुस्सा की है जाकर माफी मांग लो, किसी बहन भाई से लड़ाई है माफी मांग, कोई खावंद बीवी से नाराज है, बीवी खावंद से नाराज है तो एक दूसरे को माफ कर दो, अल्लाह ताला को माफ करना पसंद है। आपस में मोहब्बत से रहो, दरगुजर से रहो, कहीं लड़ाई हो जाए सुलह करवाओ, कहीं झगड़ा हो जाए सुलह करवाओ, चुप रहना सबसे बड़ी सुलह, थोड़ी देर के चुप हो जाओ, थोड़ी देर के लिए चुप हो जाओ, थोड़ी देर के लिए चुप हो जाओ। इतनी अच्छी बातें मैं सुनाई ना, मतलब मन नहीं भर रहा इनकी बातें सुनने से बिल्कुल भी। आई थिंक मतलब बच्चों को शिक्षा दे रही हैं और इन्होंने जो मतलब इस वीडियो में एक एक बात कही है ना, अगर हम उस चीज़ को ना कहते हैं जिंदगी में मान के चले तो हमें कभी भी किसी चीज़ का पछतावा नहीं होगा कि हमने ये चीज़ लाइफ में नहीं किया ना। उन्होंने बहुत सही कहा कि मतलब पैसे से सब कुछ नहीं होता, पैसा ज़रूरी है आपके लिए लेकिन उतना भी नहीं है कि आप अपने रिश्तों को पैसों के जो है नीचे रखो, है ना। सो हमेशा रिश्तों को ऊपर रखो, उसके बाद पैसे आपकी ज़िंदगी में आते हैं। बहुत सारी बातें कही हैं लेकिन अभी मेरे दिमाग में सारी बातें मतलब भूल जा रही हैं, वो अभी याद नहीं आ रहा है। और अच्छा एक बात और पता चलेगी, वो 130 फुट के थे ना, मैं हाँ ये बात मेरे दिमाग में थी, मैं पूछूंगी कि यार 130 फुट कितना लंबा होता है ना, मतलब बहुत लंबे होंगे वो। सही बात है, मतलब यार कुछ नहीं की बात है, कहाँ कहाँ से आ गए, कहाँ पहुंच गए। इनका मेन मोटिव ये है बोलने का कि आप जो है हमारे जो नबी ने जो बातें बताई हैं उसके ऊपर चलो, उनके अखलाक के ऊपर चलो, है ना। जो उनने बताया है कि जिंदगी में ऐसे करो ऐसे मत करो, ये चीज़ ऐसे करो वैसे करो, है ना,